नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करें, ITC लिमिटेड की बात करते हैं। एक बड़ी कंपनी है ITC लिमिटेड FMCG में, और बहुत सारी सब्सिडीज कंपनियां हैं। डीमर्जर की खबर है, एक शेयर फ्री में मिलने वाला है निवेशकों को। स्टॉक प्राइस 447 में है, 499.70 इसने हाई बनाया है, 308 का लो है। लेकिन जब से डीमर्जर की खबर आई है तब से इसमें एक तरह से गिरावट या मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। Q1 FY24 के नतीजे आने वाले थे 14 अगस्त 2023 को। तो आपके पास शेयर हैं तो नंबर्स को चेक करते हैं, इनकम की बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करेंगे और अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे। क्या परफॉर्मेंस रही है पहली तिमाही में Q1 FY24 में, उसकी बात करते हैं, उसी के अनुसार एनालाइज करेंगे। और शेयर प्राइस देखिए, पिछले एक साल का जो रिटर्न है ITC लिमिटेड का 44% का। कंपनी खास तौर से डिविडेंड के लिए जानी जाती थी और शेयर चलता नहीं था, तो 2022 में तेज़ी रही, 23 में भी तेज़ी रही, अब पिछले कुछ दिनों से इसमें एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सारे पॉइंट्स की बात करेंगे। और डिविडेंड का भी पेमेंट आ रहा होगा, जो इससे पहले डिविडेंड दिया गया था, और जो डीमर्जर का जो अपडेट है उसे देखते हैं। सबसे पहले नंबर्स को चेक करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करेंगे। स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये 30 जून 2023 का, करोड़ में नंबर्स हैं ITC लिमिटेड का। देखिए रेवेन्यू की बात करते हैं तो 16,842 करोड़ का है Q1 FY24 में। अब की बार 18,163 करोड़ का, इससे पहले था 17,224 करोड़ का, एक साल पहले था। तो अब की बार देखिए जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है ITC लिमिटेड का, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी, सालाना भी, तो ग्रोथ कम रही है। टोटल इनकम की बात करते हैं, अदर इनकम को प्लस करके देखते हो 17,704 करोड़ का। और देखिए 18,632 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, और एक साल पहले 18,252 करोड़ का था। तो टोटल इनकम कम रहा है, ग्रोथ कम रही है इस क्वार्टर में, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी सालाना भी घट गया है, जो इनकम है वो घट गया दोस्तों। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 11,158 करोड़ का है, और कंपनी को प्रॉफिट है। सीधे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो जो अपडेट है प्रॉफिट का, मुनाफे का, 4,902 करोड़ का है। 4,169 करोड़ का Q4 में, 5,086 करोड़ का एक साल पहले था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से मुनाफा बढ़ा है, लेकिन सालाना मुनाफा कम रहा है। और आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर है 3.94 का है, 3.38 का Q4 में था, 4.10 का एक साल पहले था। तो साल भर पहले ज़्यादा ग्रोथ थी, अब कम हो गया। Q1 FY24 के जो नतीजे हैं ITC लिमिटेड के, रेवेन्यू कम हुआ है। इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए बड़ी कंपनी है ITC, और अब की बार रेवेन्यू कम है दोस्तों, प्रॉफिट है कंपनी। दोस्तों ये Q1 FY24 के नंबर्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट है ITC लिमिटेड। अब दोस्तों बात करेंगे डीमर्जर की। डीमर्जर का अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने, होटल बिजनेस को अलग करना चाह रही है कंपनी। और जो रेशियो रखा गया था 10 शेयर ITC लिमिटेड के होंगे तो एक शेयर ITC होटल का मिलेगा, और इसके लिए समय लगेगा, साल भर का समय लगेगा। जो अलग होगी कंपनी ITC होटल, साल भर के बाद लिस्ट होगी दोस्तों, अप्रूवल लेने पड़ते हैं इसके लिए। फिलहाल अनाउंसमेंट कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, तो डीमर्जर होगा, होटल बिजनेस अलग होगा ITC लिमिटेड से। तो ये एक बड़ी खबर है, और लेकिन इसके लिए समय लगेगा दोस्तों, इसके लिए समय लगेगा। तो आगे भी और अपडेट आते रहेंगे। फिलहाल जो अपडेट है, अप्रूव कर दिया है कंपनी ने डीमर्जर के लिए। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। देखिए ITC लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 447 में है। पूरे साल भर की बात करते हैं तो 44% का रिटर्न दिया है निवेशकों को जिनके पास है ये, और इसका जो हाई बनाया है 499 का बनाया है, 308.55 लो है। 308.55 पिछले साल अगस्त के महीने में 16 अगस्त 2022 को 310 में था। उसके बाद देखिए एक तरह से तेज़ी रही, इसमें थोड़ा बहुत मुनाफा उसके बीच में आई है, स्टॉक ऊपर की तरफ पहुंचा, 500 को इसने क्रॉस नहीं किया, और डीमर्जर की खबर आई उसके बाद स्टॉक गिर गया दोस्तों। थोड़ा बहुत इसमें बेयरिश मोड बनाया हुआ है, नतीजों में भी थोड़ी बहुत कमी पेशी, तो अगले क्वार्टर तक इसमें दबाव रहेगा। ऊपर की तरफ 465 के ऊपर क्लोज होगा तो 480 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए हैं एक महीना दो महीना 10 दिन के लिए जो लेते हैं वो निकलेंगे, तो दबाव देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ का जो सपोर्ट रहेगा
447 में 436 के नीचे अगर स्लिप होता है तो उसमें गिरावट बढ़ जाएगी, 419 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नेक्स्ट क्वार्टर तक इसमें एक तरह से दबाव देखने को मिल सकता है। नवंबर 2020 में ये 191 में था। तो देखिए 2020 के बाद जिन्होंने स्टॉक को खरीदा है तो अच्छा रिटर्न मिला निवेशकों को, अब इन एक रेंज में रह सकता है। अच्छे नतीजे या कोई अच्छी खबर होगी तब इसमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट क्वार्टर या उसके बाद, नहीं तो एक रेंज में ही रह सकता है। तो ये ITC लिमिटेड का चार्ट पैटर्न के अनुसार है और स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव रह सकता है। नतीजों को भी हम लोगों ने देखा तो रेवेन्यू कम हुआ है दोस्तों। तो ये ITC लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।